निर्जला एकादशी के व्रत में जानते हैं सुबह से लेकर अगले दिन तक हमारा क्या रूटीन होना चाहिए। 18 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत है, तो देखिए व्रत भले ही 18 तारीख को है लेकिन एकादशी लग जाएगी 17 तारीख से, तो इस दिन चावल या चावल से बनी हुई चीजें नहीं खानी है। 17 की रात को भगवान से प्रार्थना करके सोना कि कल मैं निर्जल व्रत करूंगा, हे भगवान आप मेरी सहायता करना। सुबह उठकर आप पानी पी सकते हो सूर्योदय से पहले। जी हाँ, सूर्योदय से पहले जितना चाहे उतना पानी पी सकते हैं, लेकिन सूर्योदय के बाद नहीं। दातुन पेस्ट या दंत मंजन मत करना, नहीं तो व्रत खंडित होगा। आप उंगली से या गुलाब चूर्ण से मुख साफ कर लेना। फिर उबटन से स्नान करना, यदि उबटन नहीं हो तो मुल्तानी मिट्टी या तो फिर तिल को पीस कर रख लेना मिक्सर में, उसको रगड़ कर स्नान करना। यह भी नहीं हो तो कच्चा दूध एक चम्मच बाल्टी में डाल देना और उससे स्नान करना। यदि यह भी नहीं हो तो दही रगड़ कर अपने शरीर पर स्नान कर सकते हैं, इससे लक्ष्मी जी की प्रसन्नता मिलती है। फिर दान के लिए कच्चे अनाज, छाते, जूते, चप्पल का स्पर्श करके उन्हें अलग रख देना, क्योंकि इस दिन का किया हुआ दान अक्षय हो जाएगा। अक्षय यानी जिसका पुण्य कभी क्षय न हो, ऐसा मिलेगा पुण्य। फिर आप सीधे भगवान के पास जाना, आप अपना नित्य नियम करना, भगवान को कमल पुष्प अर्पित करना और हो सके तो तुलसी की मंजरी अर्पित करना। लेकिन 17 तारीख और 18 तारीख दोनों ही दिन तुलसी नहीं तोड़ना है, तो मन से ही तुलसी और कमल पुष्प को अर्पित कर देना। ये बिल्कुल शास्त्रीय बात है, मन से भी भगवान को हम अर्पण कर सकते हैं, जिसको मानस पूजन कहते हैं। नहीं तो फिर जो तुलसी के पौधे के नीचे पत्तियां गिरी हुई हैं, वो उठाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं, ये भी हमारे शास्त्रों में विधान है। फिर मुख्य चीज, इस दिन सुबह भगवत गीता और विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर लेना या सुन लेना। विष्णु सहस्र नाम का पाठ हमारे चैनल पर है, इसमें हिंदी में एक एक नाम अलग अलग लिया हुआ है, तो एक एक नाम पर हम भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी के पास भगवान की मूर्ति नहीं है या अभिषेक करने की सामग्री नहीं है, तो फिर से आप मानस पूजन कर सकते हैं। जैसे आप भगवान का नाम सुनते जाएं और मन ही मन आंखें बंद करके ये भावना करें कि हम भगवान पर अभिषेक कर रहे हैं प्रत्येक नाम से। विष्णु सहस्त्र नाम अपने चैनल पर है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो हम अभिषेक करेंगे, इस जल को पीपल देवता में अर्पण कर देना, तुलसी माता में नहीं। याद रखना कि इस दिन जिनका निर्जल व्रत हो वो केवल आचमन के लिए मुख में पानी डाल सकते हैं या वॉशरूम जाने के बाद कुल्ला करने के लिए, और किसी भी कार्य के लिए मुख में जल लेने से निर्जल व्रत खंडित माना जाएगा शास्त्रों के अनुसार। इस दिन बुजुर्ग और रोगी को छोड़कर दिन में सोना नहीं चाहिए, हो सके तो ठंडे स्थानों में रहने का प्रयास करना ताकि प्यास न लगे। अब जिन चीजों को हमने सुबह स्पर्श किया था स्नान के बाद, समय निकालकर उनको दान करके आना, ब्राह्मण आदि या मंदिर में या तो किसी असहाय को, गरीब को। एक एक प्रहर में पुण्यों की वृद्धि कही है निर्जल व्रत रखने से। शाम की संध्या में दीपक जला लेना घी का। जी हाँ, शास्त्रों में एकादशी की रात्रि को भगवान के पास घी का दीपक जलाने का अपना ही अधिक महत्व है, और फिर से भगवान का अभिषेक करना विष्णु सहस्र नाम के माध्यम से। अब बारी आती है रात्रि के जागरण की। वैसे भी जिनका निर्जल व्रत रहता है उनको रात को नींद नहीं आती है, फिर भी बता दूं कि 1 बजे तक आप जागरण कर सकते हैं। बाकी जागरण का तो पूरी रात्रि का विधान है। जागरण में आप कथा कीर्तन करना, भगवान से जुड़ने का साधन रखना, संसार से जुड़ने का साधन नहीं। रात्रि को 12 बजे फिर से भगवान का अभिषेक करना। यदि साधन नहीं हो, भगवान की मूर्ति नहीं हो, तो मानसिक ही कर लेना विष्णु सहस्र नाम सुनते सुनते हिंदी वाला। फिर सुबह स्नान करना, ध्यान रहे कि दातुन मंजन पेस्ट अपने मुख में अभी मत डालना, इससे व्रत खंडित माना जाएगा। उंगली से ही अपना मुख साफ कर लेना और फिर से स्नान के बाद भगवान का अभिषेक करना। सूर्योदय के बाद आप पतली मूंग बनवा लेना बिल्कुल पानीदार, और नींबू पानी का रस हल्का गुनगुना करके ये बनवा कर अलग से रख लेना, और इन्हीं चीजों का भोग भगवान को रख देना। भगवान को भोग लगाने के बाद अब आप अपना व्रत खोलना, व्रत पारण करना। तो कैसे किया जाता है, चने के माध्यम से करना। ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा व्रत खोलने की विधि कैसे है। व्रत खोलने के बाद आप पहले गुनगुना नींबू पानी पीना, उसके बाद पानी वाला मूंग पीना,
जो उबाल कर रखा है आपने, तुरंत भोजन मत करना, इससे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। पानी पीने के कुछ देर बाद आप भोजन करना, तुरंत उपवास खोलते ही भोजन मत करना। ऐसे ही अपने संस्कृति का लाभ लेने के लिए हमसे जुड़े रहिए। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछिए। हरे कृष्ण।